हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रजिस्टर बटन का कम्प्लीटली वर्क कर दिया था, बस फायरबेस का इम्प्लीमेंटेशन बाकी था। तो इस वीडियो में हम फायरबेस का इम्प्लीमेंटेशन जानने वाले। तो हम सबसे पहले डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे फायरबेस को। तो इसको ऐड करने के लिए हमें जाना होगा टूल बटन में एंड फायरबेस पे क्लिक करना होगा। जैसे हम फायरबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा लोडिंग असिस्टेंट कंटेंट। तो आप देख सकते हो अभी पेज हमारा ओपन हो चुका है। आपको टॉप में आना है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेट यूजिंग गूगल पे क्लिक कर देना। एंड ये जो दिखाई दे रहा है आपको एड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन SDK टू योर ऐप, इसके नीचे आपको ऐड पे क्लिक कर देना एंड एक्सेप्ट चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब तक डिपेंडेंसी पेस्ट नहीं होती हम तब तक वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ग्रेडल बिल्ड है वो फिनिश हो चुका है एंड यहाँ पे शो भी हो रहा है डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली। आपको अभी सबसे पहले बैक आना होगा फायरबेस में। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बैक में एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ऑथेंटिकेशन को। एंड हमें सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है क्लाउड फायर स्टोर, इसको भी हमें यूज़ करना होगा क्योंकि हम ईमेल एंड पासवर्ड को यूज़ करेंगे। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड ऐड द क्लाउड फायर स्टोर SDK टू योर ऐप पे क्लिक करेंगे एंड एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो अगेन ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है एंड थोड़ी देर में डिपेंडेंसी हमारे ऐड हो जाएगी फायरबेस स्टोर की। तो हम वेट करते हैं तब तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली अगेन मैसेज आ चुका है। अगेन आपको बैक करना है, यहाँ से आपको अभी जो क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस है इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड स्टोरेज एंड अगेन सेम आपको प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्ट चेंजेस। अगेन यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा ग्रेडल इंपोर्टिंग हो चुका है एंड यहाँ पे थोड़ी देर में मैसेज शो हो जाएगा सेटअप करेक्टली। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है। अभी हमें इंटरनेट का यूज़ नहीं है इसलिए हम इंटरनेट को डिसकनेक्ट करेंगे एंड यहाँ से फायरबेस को हम सबसे पहले क्लोज कर देंगे क्योंकि अभी हमारा कम्प्लीटली इसका वर्क हो चुका है। हम डिपेंडेंसी में जाएंगे तो डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए हमें ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन करना होगा एंड जो सेकेंड में दिखाई दे रहा है बिडल डॉट ग्रेडल, इसको हमें ओपन करना होगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑथ फायर स्टोर एंड स्टोरेज, ये जो भी हमारे तीन डिपेंडेंसी हो वो खुद ब खुद पेस्ट हो चुकी है। ओके, तो इसका ही हमें यूज़ करना है हमारे रजिस्टर डॉट जावा में। तो हम आ चुके हैं रजिस्टर डॉट जावा में एंड यहाँ से हम यूज़ करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे फायर स्टोर को। तो मैं यहाँ पे कोड एंटर करूँगा सबसे पहले एंड यहाँ पे लिखूँगा फायर स्टोर। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा होगा क्योंकि हमने ग्रेटर जो बिल्ड है उसको रीबिल्ड प्रोजेक्ट हम करके देखेंगे एंड अगेन हम इसको यूज़ करके देखेंगे। मैं सबसे पहले इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमने नेट को कनेक्ट कर दिया। बिल्ड पे चले जाता हूँ, रीबिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम रीबिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है फाइल गूगल सर्विस जेसन इज मिसिंग द गूगल सर्विसेज प्लग इन कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। तो अभी हमें सबसे क्या करना होगा, तो फायरबेस का यूज़ करना होगा। तो हम फायरबेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम जाएंगे सबसे पहले क्रोम में, यहाँ पे टाइप करूँगा फायरबेस। इसके बाद हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो फर्स्ट में दिखाई दे रही लिंक, इसको हमें सबसे पहले ओपन करना होगा। तो मैं फायरबेस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको कोई भी जो जीमेल आईडी आपको यूज़ करनी हो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जीमेल आईडी को लॉगिन करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। तो सबसे पहले अभी आपको गो टू कंसोल पे क्लिक करना होगा। जैसे हम गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा फायरबेस का कंसोल रहेगा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फायरबेस का कंसोल ओपन हो चुका है। तो अभी हम ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम प्रोजेक्ट का नेम एंटर कर देंगे लॉगिन पेज। लॉगिन पेजेस हम डाल देंगे क्योंकि लॉगिन पेज ऑलरेडी क्रिएट है एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा
एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट एन अकाउंट में क्लिक करना होगा एंड डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस पे सिलेक्ट करना होगा। एंड इसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट प्लीज वेट, तो हमें वेट करना होगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन पेजेस से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो अभी हम लॉग इन पेजेस में आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें पैकेज नेम को कनेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट के साथ। तो हम एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे एंड जैसे हम मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये जो एंड्रॉयड का सिग्नेचर है इस पर क्लिक करना होगा आपको एंड यहाँ पे आपका पैकेज नेम को एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ मैनिफेस्ट में एंड यहाँ पे जो पैकेज नेम है इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड क्रोम में जाएंगे एंड पैकेज नेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको ऐप नेम लिखना होगा लॉग इन पेजेस। ओके, यहाँ पे आपको SH1 की एंटर करना होगा बट आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना होगा। जैसे हम रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे इसके बाद हमें एक गूगल सर्विस जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए शो होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कोई ऑलरेडी डाउनलोड्स में जेसन फाइल अवेलेबल है क्या। तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ एंड क्रोम में जाएंगे एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो गूगल सर्विस जेसन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तब तक हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है एंड कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू टू कंसोल पे जाएंगे तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो होम पेज है फायरबेस का वो ओपन हो जाएगा। अभी हमें सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाना है एंड ये जो गूगल सर्विस जेसन की फाइल है इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा एंड एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना होगा। एंड इसके बाद ये जो एंड्रॉयड है इसको सिलेक्ट करना होगा एंड प्रोजेक्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं प्रोजेक्ट पे जैसे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो होगा। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे एंड ये जो ऐप है थर्ड में ऑप्शन इसको हम ओपन करेंगे एंड ये जो ऐप है इसमें हम सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल वी से जो भी हमारी सर्विस जेसन फाइल थी इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो जाएगा क्योंकि हमें एरर शो हो रहा था फाइल गूगल सर्विस जेसन इज मिसिंग, इसलिए हमने जो सर्विस जेसन फाइल है उसको हमने पेस्ट कर दिया। अभी हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अभी हमारा यहाँ पे कोड शो हो रहा है। अभी हमें सबसे पहले क्रोम में जाना होगा। हम क्रोम में आ चुके हैं एंड ये जो फर्स्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑथेंटिकेशन, हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ ऑथेंटिकेशन पे। एंड इसके बाद गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन का पेज रहेगा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया तो हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। अभी हमें ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करना होगा क्योंकि हम जो हमारा साइन अप पेज है एंड साइन इन पेज है उसमें हम ईमेल एंड पासवर्ड का यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। एंड जो फर्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको एनेबल पे क्लिक करना होगा एंड सेव बटन पे आपको टैप करना होगा। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड एनेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमारा कम्प्लीटली इंटरनेट का वर्क हो चुका है इसलिए मैं अभी इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ। एंड अभी हम जाएंगे सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में। मैं सभी जितने भी फाइल है इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स पे क्लिक कर देता हूँ एंड जो हमारा जो रजिस्टर बटन है इस कोडिंग को मैं ओपन कर देता हूँ। ओके, एंड इसको भी हम क्लोज कर देंगे एंड यहाँ से आपको एंटर करना होगा। सबसे पहले हमें प्रोग्रेस बार के पास आ जाना है एंड यहाँ से आपको एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पे आपको अभी टाइप करना है फायर बेस स्टोर। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारे शो हो रहा है। एंड इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें नेम लिखना होगा। तो मैं इसको नेम लिख देता हूँ ऐप स्टोर। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया ऐप स्टोर एंड इसको हम क्लोज करेंगे सेमी कॉलम से। सेम आपको स्ट्रिंग यूज़ करना है, कैपिटल एस यूज़ करना है स्ट्रिंग। नेम लिख देना है यहाँ से यूज़र आईडी
एंड सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। एंड यहाँ पे हमें यूज करना है फायरबेस ऑथ का, फायरबेस ऑथ, एंड इसको भी हम लिख देंगे नेम एफ ऑथ, एंड इसको सेमी कॉलम से आपको क्लोज कर देना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फायरबेस यूज किया हमने, फायरबेस ऑथ यूज किया। ओके अभी हमें क्या करना होगा, इसको डिक्लेयर भी करना होगा। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, गेट इंस्टेंट यूज करना होगा। तो मैं प्रोग्रेस बार के नीचे आ जाता हूँ, एफ ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा। सेम हमें स्टोर के लिए भी यूज करना होगा, क्योंकि हमने ऑथ तो यूज कर दिया, अभी हमें ऐप स्टोर को भी यूज करना होगा। तो ऐप स्टोर इज इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर को यूज करना होगा एंड डॉट गेट इंस्टेंस इसको भी लगाना होगा। तो आप देख सकते हो इन दोनों का भी वर्क हो चुका है, फायरबेस स्टोर एंड फायरबेस ऑथ का। ओके अभी हमें अगेन फायरबेस ऑथ का यूज करना होगा, जो कि हम डेटा सेव करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड का हमारे फायरबेस में। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे, एंड इसके नीचे आपको एंटर करना होगा, सॉरी प्रोग्रेस बार के नीचे आपको आना होगा, एंड यहाँ से आपको मेथड यूज करना होगा फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि हम ईमेल एंड पासवर्ड को यहाँ पे यूज करेंगे फायरबेस में। तो क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जो ये मेथड दिखाई दे रही है पहली, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद आ चुका है ये, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड को। तो ईमेल कॉमा पासवर्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ से पास कर देता हूँ पासवर्ड को, एंड यहाँ से आपको यूज करना होगा डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर को यूज करना होगा, कंप्लीट लिसनर यहाँ से सिलेक्ट कर दी। अगेन यहाँ पे आपको टाइप करना होगा न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुद ब खुद मेथड आ चुके हैं। अभी हम ऑन सक्सेस का मेथड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यहाँ पे खुद से। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इफ, एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे टास्क, इफ टास्क इज सक्सेसफुल, एंड इसमें हम मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर टास्क सक्सेसफुल होता है तो हम क्या करेंगे, फायरबेस यूजर हम नेम दे देंगे एफ यूजर इज इक्वल टू जो हमारा ऑथेंटिकेशन है उसको यूज करेंगे हम एफ ऑथ डॉट गेट करंट यूजर। ओके इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे सेमी कॉलम से। अगेन हम एफ यूजर से डेटा लेंगे सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, एंड यहाँ से हम मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे एड ऑन सक्सेस लिसनर। इसके बाद अगेन हमें क्या करना होगा, एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा न्यू ऑन सक्सेस लिसनर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो ऑन सक्सेस में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टोस्ट यूज करना होगा रजिस्टर इज सक्सेसफुल। तो मैं यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो करूंगा टोस्ट, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मीन्स रजिस्टर डॉट डिस्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। ओके एंड यहाँ पे हम मैसेज शो करेंगे रजिस्टर सक्सेसफुल। ओके तो आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी आपको क्या करना होगा, डॉट का यूज करना होगा, एंड यहाँ से अगर हमारा ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं होता है तो हमें कुछ एरर शो करना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एड ऑन फेल लिसनर का यूज करेंगे। ओके एड ऑन फेल्योर लिसनर, एंड इसमें हम यूज करेंगे न्यू ऑन फेल्योर लिसनर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा लॉक का, लॉक डॉट डी
एंड इसमें आपको पास करना होगा जो हमने स्ट्रिंग जो यूज़ की थी टैग के नेम से, तो उसको हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे इसको यहाँ पे, टैग कॉमा एंड मैसेज हमें शो करना होगा ऑन फेलोअर, ऑन फेल्यूअर। यहाँ पे आपको यूज करना होगा ईमेल नॉट सेंट, तो यहाँ पे जो टैग है हमें कैपिटल में यूज करना है, इसलिए वो मैसेज एरर शो हो रहा है। ठीक है, जो हमने टैग ऊपर में यूज किया था वो इसी टैग को ही हमने यूज किया है। ये तो हमारा फेल्यूअर का मैसेज शो होने के लिए, ओके फेल्यूअर नॉट सेंट। एंड इसके बाद हम एंड यहाँ पे हम ऐट का साइन देंगे एंड मैसेज क्या शो करेंगे, ई डॉट गेट मैसेज। एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जल्दी से। तो आप देख सकते हो हमने कम्प्लीटली यूज़ कर दिया है। अगर कोई यूज़र आता है तो सक्सेस होने के बाद क्या होगा एंड फेलोअर होने के बाद क्या होगा, ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी हमें क्या करना होगा, इसके नीचे आना होगा सबसे पहले, तो मैं एंटर कर देता हूँ जल्दी से। एंड यहाँ पे हम टोस्ट को शो करेंगे, तो टोस्ट यहाँ पे हम पास कर देंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे यूजर क्रिएटेड, ओके। ये होने के बाद अभी हमें यूजर आईडी का यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ यूजर आईडी, जो ऊपर में हमने दी थी यूजर आईडी उसी को यूज करना है, एफ ऑथ डॉट गेट करंट यूजर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है डॉट गेट यू आईडी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा। अभी डॉक्यूमेंट रेफरेंस का यूज करेंगे हम, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस। तो यहाँ पे आ चुका है डॉक्यूमेंट रेफरेंस, नेम देंगे डॉक्यूमेंट रेफरेंस इज इक्वल टू एफ स्टोर। यहाँ पे हम कलेक्शन करेंगे, इसलिए हम कलेक्शन का यूज़ करेंगे। कलेक्शन क्या, सबसे पहले हमारा यूज़र आएगा, तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे यूज़र एंड इसको क्लोज कर देंगे डॉट डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे डॉक्यूमेंट्स में यूज़र आईडी, तो जो हमारी यूज़र आईडी रहेगी उसको हमें यहाँ पे पास करना होगा। तो आप देख सकते हो अभी हम यूज़र आईडी को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे एंड सेमी कॉलम से इसको आपको क्लोज कर देना। तो यूज़र आईडी पास होने के बाद अभी हम सबसे पहले मैप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मैप यहाँ से आपको यूज़ करना होगा एंड यहाँ से आपको एरे का सिंबल देना होगा। एंड यहाँ पे हम एंटर करेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर करने के बाद आपको पास करना है कॉमा। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यूज़ किया हमने एंड इसके बाद हम यूज़र पे यहाँ पे एंटर कर देंगे, ओके इज इक्वल टू न्यू। हैश मैप का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे हैश मैप एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। हैश मैप को हम यूज़र से कोई फुल नेम फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे यूज़र डॉट पुट, तो यूज़र डॉट पुट यहाँ पे आपको नेम एंटर करना होगा सबसे पहले, एफ नेम। एफ नेम में हम क्या पास करेंगे, फुल नेम। सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा फुल नेम को। सेम आपको यूज करना होगा ईमेल के लिए, तो यूजर डॉट पुट यहाँ पे हमें पास करना होगा ईमेल को, तो ईमेल कॉमा ईमेल को हमें पास करना होगा। अगेन इसको सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा एंड अभी हमें यूज करना होगा फोन के लिए, तो यूजर डॉट पुट एंड फोन नंबर का यूज करना होगा, फोन कॉमा फोन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पास नहीं किया है प्रॉपरली, तो मैं इसको सेमी कॉलम में डाल देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने की पास कर दी है। अभी हमें डॉक्यूमेंट रेफरेंस का यूज़ करना होगा। डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉट सेट यूज़र, सेट में हम पास करेंगे यूज़र। इसके बाद अभी हमें यूज़ करना होगा डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर। सेम हमें यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा न्यू ऑन सक्सेस लिसनर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली जो मेथड है वो आ चुकी है। ओके, तो पब्लिक वॉइड ऑन सक्सेस, तो हमें यहाँ पे पास करना होगा इस मेथड में लॉग डॉट डी। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लॉग डॉट डी टैग कॉमा। हम मैसेज पास करेंगे ऑन सक्सेस एंड यहाँ पे एंटर करना होगा यूजर प्रोफाइल इज क्रिएटेड, यूजर प्रोफाइल इज क्रिएटेड। फॉर एंड इसमें हमें पास करना होगा यूजर आईडी। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूजर आईडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूजर आईडी जो है वो पास हो चुका है। ये तो हुआ ऑन सक्सेस का। अभी हमें सेम ऑन फेलोअर के लिए भी यूज करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डॉट यूज करना होगा एड ऑन फेलोअर लिसनर एंड सेम न्यू ऑन फेलोअर लिसनर। इसके बाद हमें सेम लॉक का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ये तो हुआ ऑन सक्सेस का, हमें यहाँ पे यूज करना है ऑन फेल्योर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन फेल्योर ई डॉट टू स्ट्रिंग। मैं इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे प्लस का सिंबल देके ई डॉट टू स्ट्रिंग यूज करेंगे हम। तो आप देख सकते हो अभी हमारा ऑन सक्सेस का भी हो गया एंड ऑन फेल्योर का भी हो चुका है। तो अगर ये होने के बाद कोई भी यूज़र आएगा तो हमें उसे मेन एक्टिविटी में रिडायरेक्ट करना होगा। इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंटेंट का यूज़, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट एंड सेम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा पास करना होगा एंड मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। क्योंकि अगर कोई भी रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले रजिस्टर का फुल फॉर्म फिलअप करेगा एंड मेन एक्टिविटी में चले जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे टैप करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। हम लास्ट फाइनली एक एल्स की कंडीशन यूज कर लेंगे, अगर रजिस्टर नहीं होता है तो यूजर क्या शो होगा। ओके, तो इसलिए मैं इफ तो हो चुका है वहां पे हमारा एल्स यूज कर देता हूँ। यहाँ पे एल्स टोस्ट हम शो करेंगे एंड यहाँ पे हम पास करेंगे रजिस्टर डॉट दिस जिस एप्लीकेशन में है एंड मैसेज क्या शो करेंगे, एरर। ओके, ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गेट एक्सेप्शन डाल देंगे, यहाँ पे टोस्ट शो नहीं होगा। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, एरर प्लस टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा कम्प्लीटली यहाँ का वर्क हो चुका है एंड यहाँ पे हम प्रोग्रेस बार को इनविजिबल कर देते हैं, सॉरी गॉन कर देते हैं। प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन, व्यू डॉट गॉन कर देंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली वर्क हो चुका है बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर गेट मैसेज के बाद कॉमा लगाना होगा एंड टोस्ट डॉट लिंक शॉर्ट यूज करना होगा डॉट शो। ओके,
तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कम्पिटिटिव वर्क हो चुका है। इफ़ की भी कंडीशन हमने यूज़ कर ली है एंड एल्स की भी कंडीशन यूज़ कर ली है, बट यहाँ पे एरर शो रहा है तो इसको हम सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा यहाँ का कम्प्लीटली कोड का वर्क हो चुका है। अभी लास्ट फाइनल हमारा बाकी है एक ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ ऐप ऑथ ऐप स्टोर के नीचे, यानी एक इफ़ की कंडीशन में यूज़ करूँगा इफ़ एफ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर देता हूँ मैं। इफ़ ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र नॉट इक्वल टू हम यूज़ करेंगे नॉट इक्वल इक्वल टू नल। तो यहाँ पे हम पास करेंगे मेथड एक स्टार्ट एक्टिविटी का यूज़ करेंगे हम इसमें स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा हम जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में मेन एक्टिविटी डॉट क्लास एंड फिनिश हम कर देंगे। मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है रजिस्टर डॉट जावा जो भी हमारा कोड था इसका अभी कम्प्लीटली फिनिश वर्क हो चुका है। अभी हम यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे डिवाइस को एंड रन करके देखेंगे कि हमारा रजिस्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा शो रहा है डिवाइस ओप्पो RMX811। तो अभी हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड रनिंग का मैसेज शो हो रहा है। तो थोड़ी देर में ये ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने के बाद हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड लॉन्च सक्सेस का मैसेज आ चुका है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे मोबाइल डिवाइस में भी जो हमारा ऐप है वो थोड़ी देर में शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो शो हो रही है लॉगिन पेज एंड इसके बाद हमारा जो साइन अप पेज है वो यहाँ पे शो हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा जो लॉगिन पेज जो ऊपर में दिखाई दे रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं शो हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे थीम डॉट एक्सएमएल में चले जाएंगे एंड यहाँ पे जो डार्क एक्शन बार है इसको हम चेंज करेंगे नो एक्शन बार में। तो मैं जल्दी से इसको चेंज कर देता हूँ नो एक्शन बार में एंड अगेन मैं रन ऐप पे क्लिक करके देखता हूँ। तो जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक करूँगा अगेन यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड लॉन्च सक्सेस का मैसेज आ चुका है एंड जो ऊपर में टॉप में लॉगिन पेज अभी तक शो हो रहा था टूल बार में वो शो नहीं हो रहा है एंड अभी आप देख सकते हो हमारा साइनअप पेज यहाँ पे शो हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी यूज़र आएगा तो ईमेल पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर एंटर करेगा ओके एंड रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो मेन एक्टिविटी में चले जाएगा। तो अभी यहाँ तक अभी हमारा साइन अप का रजिस्टर का पेज क्रिएट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में साइन इन का पेज क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।